नमस्ते नमस्ते, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की, कि क्या चल रही है। कार्ड निकाल लेते हैं कि कौन से कार्ड आपके लिए आए हैं निकल के। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ कौन से कार्ड आ रहे हैं ये हम चेक करने वाले हैं। जस्टिस पहला कार्ड ही डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जस्टिस का आया है। देखते हैं जस्टिस के साथ कौन सा कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स जस्टिस के साथ किसी चीज को जीत गया है ये इंसान। क्या जीत गया है ये? नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, जीत के क्या आया है। अरे लवर कार्ड, ये अपने प्यार को जीत गया है इस वक्त, ऐसी इसकी एनर्जी है। इस वक्त की एनर्जी ये है कि ये इंसान अपने प्यार में जस्टिस करने ये इंसान आगे बढ़ चुका है। जस्टिस के लिए इंसान जस्टिस करना चाहता है अपने प्यार के साथ, न्याय करना चाहता है अपने प्यार के साथ, और बराबर का जो है साथी बनना चाहता है, ऐसा कार्ड बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप देख रहे हैं जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, ये कप्स को लेके, अपने प्यार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जब बढ़ रहा है तो ये रास्ता इसको लवर की तरफ ले जाता है। अभी मैं कार्ड और निकालूंगी, फिर इसकी डिटेल देखते हैं कि जो इसकी, देखिए अभी भी मनमुटाव हैं बहुत सी जगह पर, और बहुत सी जगह पर रियूनियन हो चुका है और ये बढ़ रहा है आगे यूनियन की तरफ अपने प्यार के। देखिए दिखावा चाहे कुछ भी हो, इस वक्त जो दिख रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है आपसे भाग रहा है। जरा देखिए जा किधर रहा है, जिधर बिल्कुल अंधेरा है, जिधर बिल्कुल निराशा है, उस साइड ये इंसान आपसे बेशक भाग रहा है। आपको दिख रहा है कि इंसान थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं थर्ड पार्टी के बारे में अभी एक चैनलिंग करने वाली हूँ, बहुत ही गजब तरीके की, जो कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के साथ वो चल रही है चैनलिंग जो हुई है अभी, ठीक है। तो इसको हम क्लेरिफाई करते हैं। छह कार्ड जैसे कि हम लेते हैं वही लेंगे हम। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है? फाइव ऑफ सॉर्ड, कप्स के कार्ड आए हैं, यानी कि प्यार तो इस इंसान के दिल में भर भर के जो है इस वक्त दिखाई देगा आपको। और फूल कार्ड, और जैसे कि जब हमने तीन कार्ड शफल किए तो एट ऑफ कप्स का कार्ड था, अब यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये इंसान अपने दर्द को छुपा रहा है इस वक्त, सही है ना। ये इंसान आपसे लड़ना चाहता है, आपसे अपना हक मांगना चाहता है। ये इंसान जबरदस्ती अपनाना चाहता है आपको, इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। क्योंकि यहाँ पे इस इंसान के मन में प्यार है, पहले ये प्यार के लिए आया करता था, लेकिन वो प्यार आपसे कह नहीं पाता था कि इसको प्यार है आपसे या नहीं है। क्योंकि जिसको प्यार होता है वो कभी कहता नहीं है कि मुझे प्यार है, और वो जताता भी नहीं है। तो वही एनर्जी इस टाइम निकल के आई है कि आपसे इस इंसान ने जो है प्यार के बारे में कभी बोला नहीं है इस इंसान ने। क्योंकि प्यार आपकी तरफ से भी जितना है, आप कह भी चुके हैं इस इंसान से कि आप बहुत ज़्यादा इससे प्यार करते हैं, इसके अलावा किसी और को आप देखना नहीं चाहते, ये बातें आप कह चुके हैं इस इंसान से। और वही बातें इस इंसान को जो है हवा में उड़ने लग गया है ये, कि वो बातें आपने ज़्यादा कह दी ना इसको, तो ये आप पे से ब्यापा हो गया है उसको। तभी इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखे चीटिंग किए थे, लेकिन इस टाइम ये चीटिंग धोखे की एनर्जी में नहीं है। ये इंसान खर्चा वर्चा भी बहुत ज़्यादा कर रहा है इन दिनों, दिखावटी, एक बनावटी चेहरा, एक दिखावटी दुनिया में जो ये इंसान है वो सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन ये प्यार को छुपा रहा है। उस प्यार को इस टाइम छुपा नहीं पाएगा, ये भी आप देखेंगे, क्योंकि वो चेहरे पर जो दर्द है वो बाहर दिख ही जाएगा आप लोगों को। इस इंसान के डार्क एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये वाली एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की मिली है मुझे, और क्योंकि आता है आपके पास बहुत सी जगह पे बैठता है और बैठे बैठे चला जाता है, कह नहीं पाता मन की बातें। या तो कुछ लोग आपके पास होते हैं
या फिर ये इंसान आपसे बहस वगैरह करने लग जाता है, जो बात कहने आता है वो कह नहीं पाता ठीक से। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बताऊं, अगर आप कहते हो कि दीदी हम नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम जो है करना शुरू कर दो। ये इंसान नहीं बात कर रहा है, आपको भी इसकी तरफ नहीं जाना है, आप ही इसको सबक सिवा सिखा सकते हैं। आप चाहे मेल हैं या आप फीमेल हैं, अगर वो इंसान भाग रहा है, चाहे वो कोई भी है, मेल है या फीमेल है, तो आप तो रुक सकती हैं, आप तो उसके पीछे मत भागो, कम से कम इतना तो सीख जाओ। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये बात। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि करंट में ही होना शुरू हो जाएगा, उसमें 2-3 साल लग सकते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों को, अगर मैं बताऊँ। और हो सकता है कि 1-2 साल में ही रिश्ता सुधर जाए, अगर आप ठीक से रहेंगे, मायूसी ना अपने चेहरे पर रखें। ठीक है, जहाँ जाना है वो काम ज़रूरी है आपको करना, वो कीजिए आप अपना, उसकी वजह से आप रोने मत लगिए, अपने कमरे में अकेले बैठ के आप सेपरेशन को मत सोचिए कि भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मेरा तो सेपरेशन है, अब इससे ज़्यादा मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, मेरा तो आखिरी और पहला प्यार यही है। वो तो बात ठीक है आपकी, आप जर्नी में हैं तो आपका आखिरी और पहला यही है, और कोई नहीं आने वाला है आपको। जर्नी ही इसलिए मिली है कि आप ये लास्ट रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जा रहे हैं, वो अपना कर्मा को पूरा कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में भी इस वक्त कोई भी इंसान आता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं, उसको जाने देते हैं। एक मन कहता है आपका कि इस इंसान के साथ मैं रिलेशन में चली जाऊँ, अपने दुख को जो है हटा दूँ, लेकिन आपके जो अंदर की इनर वॉइस है, जो वो भगवान की आवाज़ है, वो आपको रोक देती है वहाँ पे। आप रिश्ते से आगे नहीं बढ़ते हो, उस रिश्ते में आप अपने पैरों को पीछे खींच लेते हो, और तब आपकी ये जर्नी यहीं पे रुक जाती है। आप क्या यहाँ से, जब यहाँ से रुक जाती है तो आपकी शुरुआत भगवान के साथ होती है, और ये इंसान अपने कर्म पूरे करके आएगा ही आएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन वो बात नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, लेकिन अभी क्या चल रहा है, जो मैंने आपको बताया है वो ये चल रहा है। चलिए अभी डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या कार्ड मिले हैं। वैसे मैं ट्विन फ्लेम को लेके ही जो है कोचिंग करती हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है मुझसे आराम से आप जान सकते हैं अपने भी, पर कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है ना, मेरा और आपका एक कनेक्शन होना ज़रूरी है कि आप ऐसे करके हर एक दिन अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि कोड कटिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, करके देख लो आप, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, आपकी तरफ कौन से कार्ड मिले हैं? आपको विलो फॉर्चून मिला है, आपको 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत मिल रहा है, क्या बात है, रोज की रीडिंग में आपकी निकल के आता है ना, क्यों आ रहा है आपकी रोज की रीडिंग में निकल के? एक तरफ आपको खुशी भी है किस चीज की, और दूसरी तरफ आपको निराशा भी है, और जबकि आपको पता है कि भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपके, नीति कभी जो है भेद नहीं करती, आपने जो दिया है आपको वही मिलेगा और वही वापस आ रहा है आपके पास। आपने प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा, आपने पैसा दिया है तो पैसा मिलेगा, आपने इज्जत दी है दूसरों को तो इज्जत मिलेगी। ठीक है ना, और आप लोग जब इस जर्नी में है तो आपने दूसरों को किया ही किया है, लेकिन आप कई बार इस ये जो कार्ड है ना, अभी बताऊंगी, आप थोड़ा सब्र करके देखें, अभी बताऊंगी। जब आप इस जर्नी में आए हैं तो सब अच्छा करने के लिए, बचपन से अब तक अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की ये गिरा देती है आपको, स्पिरिचुअली गिरा देती है, आप उल्टा काम भी करना शुरू कर देते हैं कई बार, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए होता है, ज़्यादा देर आप उस काम में उस एनर्जी में टिक नहीं सकते, क्योंकि भगवान आपको रहने नहीं देता, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है, दोनों के साथ, आपका पार्टनर भी करता है अपने काम, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ देर के लिए करता है, फिर वो सीधे तरीके से आ जाता है, लेकिन फिर वो उल्टे करने के लिए, क्योंकि वो जुड़ना नहीं चाहता अपने अंतरात्मा से, आप जुड़े हुए हो, बस कमी ये है दोनों में। ठीक है ना, आप जुड़े हुए हो और आपके डिवाइन मैस्कुलिन में कमी ये है कि वो जुड़ना नहीं चाहता। ठीक है, ये बात है, तो आपको
अभी भी आपने वही पकड़ रखा है कि थर्ड पार्टी के साथ है। आपकी इतनी हीलिंग हो गई है, इतना लंबा सफ़र तय करके आप आए हैं, वो आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, भगवान के साथ ये सोचो आपकी, मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। ये वाली एनर्जी भी आई है यहाँ पे, पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी है। मुझे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है, मुझे अपने भगवान के साथ अपनी किस्मत का साथ देना है। ये वाली एनर्जी आई है यहाँ पर, वही एनर्जी ये भी कह रहे हैं कार्ड। ठीक है, आप बहुत सारे लोग हारमन्स यूनियन में आने वाले हैं अगस्त के महीने में। ठीक है, जो पुराने टाइम से जुड़ी हुई है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ये है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं। अभी भी आप बहुत सारी बातें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के वो दुखी देने वाली एनर्जी जो है वो आपको परेशान कर रही है। भगवान का मैसेज आपके लिए क्या है ये देख लेते हैं। इस जर्नी में भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके प्यार के लिए भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। एकरूपता, मैं सदा ही आपके साथ हूँ। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है तो वो ये कह रहा है कि वो आत्मिक तौर से वो सदा आपके साथ है, और भगवान आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं हर परिस्थिति में। ठीक है ना, हर स्थिति में वो आपके साथ हैं, ये मैसेज है भगवान का। और दुखों का सामना करो, बहुत लोग अभी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और इनका क्लियर कैंसिल कट करने का समय आ चुका है। अब काफ़ी सारे लोगों का दुख का जो समय है वो दूर होने का समय है, ये उसको दूर करने का समय आ चुका है। दुख का सामना कीजिए और उसके बाद क्लियर कट कैंसिल का काम कार्ड मिला है, और जिसमें आपकी चिंताओं को भगवान को दूर करना चाहते हैं, और दूर करने के लिए वो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आ पहुँचेंगे। चलिए, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग लेना चाहते हैं तो 8570874449 पे उसे रीडिंग ले सकते हैं। करंट फीलिंग पे भी आप उसे रीडिंग ले सकते हैं। मुझसे बात करनी तो उसके लिए आपको सेशन बुक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।